मेरठ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा गलत साबित हो रहा है, जिसके चलते बेखौफ बदमाशों को पुलिस का जरा सा भी खौफ नहीं है। लगातार मेरठ में हो रही छेड़खानी की घटनाओं को पुलिस रोकने में नाकाम साबित हो रही है। पुलिस ने एक एंटी रोमियो स्क्वाड भी चलाया था, लेकिन वह भी ठंडे बस्ते में धरा का धरा रह गया, जिसके चलते आए दिन महिलाओं और युवतियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं होती रहती हैं। दरअसल पूरा मामला मेरठ के थाना इंचोली क्षेत्र के उलखपुरपुर गांव का है, जहां पर दबंगों से परेशान होकर दो बेटियों के साथ एक पिता एसएसपी ऑफिस पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। सर, थाना इंचोली क्षेत्र अंतर्गत किसी बच्चे का मामला है, नाबालिग का, क्या पूरा मामला हुआ, आज एसएसपी भी आए थे। देखिए, एक थाना इंचोली क्षेत्र का मामला है, इसमें इरशाद नामक प्रार्थी ने एक एप्लीकेशन दी है, जिसमें उनका ये कहना है कि उनकी बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई थी और इसमें 363 यानी कि अपहरण और 354 यानी कि छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा लिखा गया है। इसमें कई सारी अन्य भी बातें सामने आई हैं, परंतु बालिका के नाबालिग होने के कारण इसमें विधिक प्रक्रिया एकदम स्पष्ट है और जो भी परपेट्रेटर है उस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कई बार उसके घर पर दबिश दी जा चुकी है, उसके वारंट लेने का प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है, आज ही शायद उसके वारंट भी हो जाएंगे और जो भी आगे अग्रिम कार्रवाई है वो की जा रही है।